हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर चीजों के बारे में, जैसे कि टॉप कॉलेजेस के बारे में कि कौन से आपके जो टॉप कॉलेजेस रहने वाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी रहने वाली हैं, लो रैंक कॉलेजेस कौन से रहने वाले हैं और आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर। अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है ये सारे के सारे जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये सारे प्रोसेस आपको पता होंगे तभी आपको जो काउंसलिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से कट ऑफ पे कौन सा आपको कॉलेज है वो मिलेगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे वेकेंट है, कहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है। तो सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, सारी चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है, जो होता है हमारे पास काउंसलिंग का और रिजल्ट का, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि काउंसलिंग का प्रोसेस आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगने और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपका जो डिक्लेयर हो सकता है, और डिक्लेयर करने के बाद आपको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। तो उस चीज की वीडियो ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सिर्फ चार चीजों के बारे में बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस आपके कौन से रहेंगे एम्स के अंदर, नंबर ऑफ सीट्स के पर्टिकुलर कॉलेज के कितनी रहने वाली है, लो रैंक कॉलेजेस कौन से चले जाते हैं और कट ऑफ आपकी जो कितनी जा सकती है इस बार। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हमारे पास कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलेजेस रहने वाले वो है 18, पहले 16-17 कॉलेजेस होते थे, अब कॉलेज जो है वो बढ़ा दिए गए। तो इस बार जो हमारे पास कॉलेजेस की लिस्ट है वो है टोटल 18 कॉलेजेस है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1291 यानी कि 1291 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, 1291 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। कॉलेज बढ़े हैं, सीट्स बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो बढ़े हैं। लेकिन अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये जो 1291 सीट्स है पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कितनी कितनी है, यानी कि एम्स दिल्ली के अंदर कितनी सीट्स हैं, एम बठिंडा के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। भाई बच्चों कॉलेज वाइज नंबर ऑफ सीट्स को जान लेते हैं। तो टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 18 कॉलेजेस है, तो 18 कॉलेजेस में ये सारे के सारे एम्स हैं और कहाँ कहाँ पे ये भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करें एम्स दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर आपके पास 96 सीट्स हैं। उसके बाद बात करें एम्स भोपाल की, यहाँ पे आपके पास 90 सीट्स हैं। उसके बाद एम्स बठिंडा, यहाँ पे आपके पास 60 सीट्स हैं। उसके बाद देवगढ़ एम्स जो है वहां पे 60 सीट्स है। भुवनेश्वर के अंदर है आपके पास 75 सीट्स हैं। बीबीगिरी के अंदर आपके पास 60 सीट्स हैं। बिलासपुर के अंदर आपको 40 सीट्स मिलेंगी। गोरखपुर यूपी के अंदर आपको 60 सीट्स मिलेंगी। कल्याणी के अंदर आपको 60 सीट्स मिलेंगी। पटना के अंदर आपको 75 सीट्स मिलेंगी। नागपुर के अंदर आपको 70 सीट्स मिलेंगी। उसके बाद बात करें एम्स जोधपुर के अंदर आपको 100 सीट्स मिलेंगी। रायबरेली के अंदर 50 सीट्स मिलेंगी। मंगलागिरी के अंदर आपको 100 सीट्स मिलेंगी। ऋषिकेश के अंदर भी आपको 100 सीट्स मिलेंगी। जम्मू जो रिसेंटली ऐड किया गया उसके अंदर 60 सीट्स हैं। रायपुर के अंदर आपको 75 सीट्स मिलेंगी। उसके बाद गुवाहाटी के अंदर आपको 60 सीट्स मिलेंगी। तो मोस्ट बच्चों की प्रोबेबल जो प्रेफरेंस रहती है वो एम्स दिल्ली रहती है, और जितने भी टॉप कॉलेजेस वाले बच्चे होते हैं, टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं, वो टॉप कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं। टॉप कॉलेजेस सबसे ऑब्वियसली सब बच्चों को पता ही होगा, सब बच्चे एम्स दिल्ली को ही जो है वो टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे होता है एक चीज का एक नाम बना हुआ है, इसलिए हर कोई बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे एम्स दिल्ली के अंदर जाना है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका रैंक 100 तक चला जाता है, तो 100 से नीचे नीचे अगर आपका रहता है 90-85, तो इसके अराउंड तक आपको ये कॉलेज आराम से जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब टॉप कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एम्स दिल्ली के अंदर आपको 96 सीट्स मिल जाती है। भोपाल के अंदर आपको 90 सीट्स मिल जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मंगलागिरी के अंदर आपके पास यहाँ पे 100 सीट्स है ऑप्शन अवेलेबल है। जोधपुर के अंदर आपको 100 सीट्स है। ऋषिकेश के अंदर आपको 100 सीट्स है। मतलब ये चार पांच कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 के अप्रोक्सीमेट आपको जो सीट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इनकी लिस्ट जो है बना सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज को टारगेट करना है। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा कट ऑफ वाइज भी बता देता हूँ कि फटाफट आपको कि किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी कट ऑफ जो वो जाती है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग होनर्स की कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपको बीएससी नर्सिंग होनर्स के बारे में बता रहा हूँ, पोस्ट बेसिक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इस चीज को क्लैरिफाई कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी वाइज मैं आपको सारी की सारी कट ऑफ जो है वो बताने वाला हूँ। अच्छा, अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो और अगर आपका स्कोर 68 से अबव आ रहा है, 68 या 68 से प्लस आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज या एम्स जो है वो आराम से मिल जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 64 प्लस है तो आपका कोई भी कॉलेज आपको जो है वो आराम से जो है वो मिल जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से होते हो, आपका स्कोर अगर 58 प्लस है, तो आपको भी कोई ना कोई कॉलेज आराम से जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद एसटी की बात करें तो 48 प्लस स्कोर है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज आराम से मिल जाएगा। इट इज नॉट कंपलसरी फर्स्ट राउंड में मिले, सेकंड राउंड में मिल सकता है, थर्ड राउंड में मिल सकता है, लेकिन इतने स्कोर के अंदर कॉलेज आपको जो है वो आराम से मिल जाएगा कोई ना कोई।
अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आपको 35+ जो है वो आपका स्कोर जो है अगर आता है तो आपसे आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज है वो मिल जाएगा। लेकिन इस चीज का खास करके ध्यान रखें कि अगर जिन बच्चों का स्कोर नीचे भी है, जैसे मान लो यहाँ पे 68, अगर किसी बच्चे का स्कोर 65 भी है, 60 भी है, ठीक है, तब भी आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। वो सब कुछ मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता रखा है क्यों पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ उसके अंदर बताया। उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी बोला कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो सब वीडियो जरूर देखें, चाहे आपका स्कोर इन स्कोर से कम भी है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अगर आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए तो आपको काउंसलिंग हर हालत में करनी ही करनी है। लेकिन ये एक मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ बताई है कि जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बच्चों को पैनिक होते हैं, स्ट्रेस होते हैं कि कितने में स्कोर में हमें कॉलेज मिल जाता है, तो इतने स्कोर में कॉलेज आराम से जो है वो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में कि टॉप कॉलेजेस जो वो आपको कितने रैंक के ऊपर मिलते हैं। देखो बच्चों, टॉप कॉलेजेस हमारे एक तो एम्स दिल्ली माना जाता है, उसके बाद एम्स भोपाल माना जाता है, ये तो दोनों टॉप के कॉलेजेस है। बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं वो प्रेफरेंस एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल को ही जो है वो ज्यादातर करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी एम्स अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रेफरेंस होती है बच्चों के माइंड में वो एक एम्स दिल्ली की होती है, दूसरी एम्स भोपाल की होती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आप 84+ स्कोर करते हो तो आपको एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस जो है वो आपके होते हैं कि आपको एम्स दिल्ली जो है वो मिल जाएगा, एम्स दिल्ली या एम्स भोपाल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन छह में से सारे के सारे जो कॉलेज है टॉप कॉलेज माने जाते हैं, एम्स दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, रायबरेली, गोरखपुर और पटना, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका स्कोर ओबीसी कैटेगरी 80+ हो तो आपको जो है मैक्सिमम चांसेस है कि इनमें से कोई ना कोई कॉलेज है, छह में से कोई ना कोई एक आधा कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। भोपाल भी मिल सकता है, जोधपुर भी मिल सकता है, दिल्ली भी मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका स्कोर 75+ है तो सेम आपको इन छह में से कोई भी कॉलेज जो है आप आराम से टारगेट कर सकते हो, आराम से आपको एक कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। 70+ स्कोर अगर आप एसटी कैटेगरी से, अगर आपका स्कोर 70+ अबव आ रहा है तो सेम टू सेम इन छह में से कोई भी कॉलेज आपको जो है वो आराम से मिल जाएगा। सेम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपका स्कोर 50+ है तो भी आपको इन छह में से कोई ना कोई कॉलेज है वो मिल जाएगा। लेकिन एम्स दिल्ली की अगर आपको जाना चाहते हो तो अगर आप 75 से अबव 80 भी यहाँ पे 80 आ जाते हो तो आराम से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। मतलब इन छह में से आपको मैक्सिमम चांसेस है कि कोई ना कोई कॉलेज आपको जो वो आराम से मिल जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि आपको दिल्ली भोपाल भी जो है वो मिल जाएगा अगर आप काउंसलिंग ध्यान से करते हो, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर आपको कोई भी जो है गलती नहीं करनी है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक वाली वीडियो को जरूर एक बार चेक करें। तो ये थे टॉप कॉलेज के रैंक, कितने कितने रैंक पे, कितने कितने स्कोर के ऊपर जो है स्कोर बताया मैंने, कितने स्कोर के ऊपर जो है वो आपको ये टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बॉटम के कॉलेजेस होते हैं, कम रैंक अगर आप कर रहा है, कम स्कोर होता है, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। तो लेकिन बच्चों अगर आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें, आपका स्कोर 70, 72, 75 बन रहा है, या फिर ओबीसी वालों का 65, 60 ऐसे बन रहा है, तो एससी एसटी वालों का 50, 55 बन रहा है, तो वो इन कॉलेजेस को जो टारगेट कर सकते हो। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है, ज्यादा भी लो नहीं जाती, मतलब जिसको हम कहते हैं एवरेज मीडियम रहती है, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, पटना हो गया, जम्मू हो गया, मंगलागिरी हो गया, तो आपने इन कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो है वो डाल सकते हो। लेकिन दोबारा से एक चीज और रिपीट कर देता हूँ कि जिन बच्चों का भी टेस्ट जो एग्जाम है वो एम्स के अंदर क्वालिफाइड होता है, अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर आता है कि आप एलिजिबल और फॉर काउंसलिंग के लिए, तो आपको हर कंडीशन के अंदर काउंसलिंग करनी ही करनी है, चाहे आपका स्कोर कितना भी लो क्यों ना हो, आपको काउंसलिंग का प्रोसेस अपना कंप्लीट करना ही करना है। उसके बावजूद आप इसके अलावा बाकी कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन टारगेट उस हिसाब से ही करना है। इसका बताने का मतलब यही होता है कि आप इन कॉलेजेस को क्या करो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप पटना, एक चीज मैं आपको हल्का छोटा सा हिंट दे देता हूं, मान लो आप पटना कॉलेज को डिजर्व करते हो, ठीक है, आप पटना कॉलेज को डिजर्व करते हो, लेकिन आप कोई ऐसा कॉलेज डाल देते हो जो बिलो रैंक वाला होता है, बिल्कुल नीचे रैंक पे होता है, बिल्कुल सबसे कम रैंक उस कॉलेज का जाता है, तो जो चॉइस में फीलिंग में अगर आपने उस कॉलेज को ऊपर डाला होगा, पटना को दूसरे नंबर पर डाला होगा, तो जो सिस्टम है वो आपको ये वाला कॉलेज अलॉट करेगा, फिर आपको पटना अलॉट नहीं करेगा, क्योंकि उसने सिस्टम ने देखा कि आपने पटना तो नीचे डाला हुआ है, जबकि आपको उतने नंबर पे पटना जो है वो मिल सकता था। तो आपने, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से नंबर पे आपको कौन कौन से कॉलेज जो वो मिल सकते हैं, आप उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो वो बनाओ, और आप पटना को क्या करो नंबर वन पे रखो, और उस लो रैंक वाले कॉलेज को नीचे रखो, ताकि सिस्टम आपको सबसे पहले पटना अलॉट करे, ठीक है। तो इस तरह की काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। बाकी स्टेप वाइज काउंसलिंग कैसे करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसी तरह से मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।